बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की तीसरी और आखिरी किस्म रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में पूरे प्रोग्राम को प्रोग्रामर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसी तरीके से सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में प्रोग्रामर के पास अगर दो ऑप्शंस मौजूद हैं और उनमें से उसे कोई एक ही ऑप्शन को, कोई एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो ऐसे में वो कंडीशन को यूज करते हुए उन स्टेटमेंट में से किसी एक ही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में अगर प्रोग्रामर एक या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो इसके लिए वो रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करेगा। और ये देखिए, इन रिपीटेशन और आइट्रेशन द प्रोग्राम विल कीप रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। यानी जिस तरह सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम कंडीशन इस्तेमाल करते थे और उस कंडीशन के सही या गलत हो जाने पर हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे, ऐसे ही रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी हम कंडीशन को ही यूज करते हैं और वो कंडीशन ही ये डिसाइड करती है कि स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स रिपीट्स होंगी। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ही स्टेटमेंट रिपीट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल रिपीटेशन स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, ये आपके सामने दो फ्लोचार्ट्स मौजूद हैं। एक फ्लोचार्ट है सिलेक्शन के लिए और दूसरा फ्लोचार्ट है रिपीटेशन के लिए। और ये देखिए, यहाँ ये कंडीशन है और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और अब ये दूसरा फ्लोचार्ट देखिए, जो कि आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल इसी तरह का है, जो कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का नहीं है बल्कि आइट्रेशन और रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का है। और यहाँ पर भी ये कंडीशन लगी हुई है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये तमाम स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी और रिपीट होने के बाद कंट्रोल दोबारा इस कंडीशन पर चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो आपका कंट्रोल है ये वापस से इसको चेक करने के बाद दोबारा से अपनी कंडीशन पर चला जाएगा अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फिर इस रिपीटेशन स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए वी कैन से सिलेक्शन एंड रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स फ्लोचार्ट्स इंप्लीमेंट सिमिलरली, यानी ये दोनों आमतौर पर तकरीबन सिमिलर होते हैं, क्योंकि दोनों में हम कंडीशन देते हैं और दोनों का इनेसार कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर होता है, यानी कंडीशन के सही या गलत होने पर होता है। लेकिन रिपीटेशन में ये फर्क होता है कि उसकी कंडीशन तब तक चेक होती रहेगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जबकि सिलेक्शन में कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चेक होगी। और दोस्तों, इसको बार बार इसीलिए चेक करवाया जाता है ताकि जब भी कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो, बार बार रन हो, बार बार आपको इसका रिजल्ट मिले। दोस्तों, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है वॉटर साइकिल की शक्ल में। यानी अगर आप वॉटर साइकिल को देखें तो यहाँ ये सबसे पहले पानी समंदर में पड़ा होता है, धूप की वजह से वो एवेपोरेट होकर क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड में जब पानी अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच जाता है तो फिर बारिश की शक्ल में बरसकर दोबारा समंदर बन जाता है और फिर हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। और यही स्टेप्स जब से दुनिया बनी है रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ये स्टेप्स रुक भी सकते हैं, क्योंकि ये तमाम काम सिर्फ एक चीज की वजह से हो रहा है, सिर्फ एक कंडीशन की वजह से हो रहा है, और वो है सूरज, क्योंकि सूरज की शुआओं से ही पानी एवेपोरेट होता है और फिर ही बाकी तमाम स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, बाकी तमाम स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये भी दरअसल रिपीटेशन स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसका एल्गोरिथम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा, व्हाइल सन इक्वल्स टू सन डबल इक्वल्स टू टू, देन, यानी अगर सन मौजूद है तो वाटर एवोपरेट होगा, एवोपरेट होने के बाद क्लाउड बन जाएगा, और क्लाउड जब एक्सट्रीम लिमिट को पहुंचेंगे तो वो बारिश ड्रॉपलेट्स या फिर स्नो बनकर बरस जाएंगे और फिर लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ ये तमाम स्टेप्स तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी,
यानी जब तक कि सन मौजूद है। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ना सूरज होगा और ना ही पानी एवोपरेट होगा। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना चाहते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो कंडीशन का हर बार ट्रू रिटर्न करना लाजमी है। लेकिन ये तो हमने आम जिंदगी में रिपीटेशन की बात कर ली, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि प्रोग्रामर्स को किसी भी प्रोग्राम में किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करवाने की जरूरत क्यों होती है। तो दोस्तों इसको आप एक एग्जांपल से समझें कि एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ हेलो। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पर एक बार हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर हम इस प्रिंट एफ हेलो वाली स्टेटमेंट को 999 बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप 999 टाइम्स अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ हेलो लिख दें। जबकि दूसरा तरीका ये है, और इस तरीके में आपका कई नुकसान भी होगा, क्योंकि इसको लिखने में आपको बहुत ज्यादा वक्त भी लगेगा और आपके प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड्स भी बढ़ जाएंगे। और जबकि एक दूसरा तरीका आपके पास मौजूद है, वो है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का, जो कि तीन टाइप्स की होती हैं। उनमें से कोई एक टाइप लें, उसमें कंडीशन लगाएं और फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो लिख दें। अब क्या होगा, हर बार कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट एफ हेलो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इस तरह 999 टाइम्स आपकी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा उसका कंट्रोल। तो दोस्तों ये सब पॉसिबल हुआ है रिपीटेशन स्ट्रक्चर की वजह से, या फिर लूप्स की वजह से। दोस्तों इसको आमतौर पर लूपिंग भी कहा जाता है। अब दोस्तों आइए इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको व्हाइल का लफ्ज नजर आ रहा है, ये रिपीटेशन स्ट्रक्चर की टाइप है। और याद रखिए, व्हाइल के आगे ही हम कंडीशन लगाएंगे। जैसे वहां पर यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हम इफ का कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पर हम व्हाइल का कीवर्ड यूज करेंगे। और व्हाइल के अलावा भी इसकी दो इकसाम है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने व्हाइल लिखा और व्हाइल के आगे हमने कंडीशन लगा दी, या फिर लिमिट देते हैं। यानी व्हाइल के आगे या फिर आप कंडीशन देंगे, जिसको हम लिमिट भी कह सकते हैं, कि हमें इन स्टेटमेंट्स को कितने टाइम्स रिपीट करवाना है। तो सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया n, जिसमें हमने लिमिट दे दी 1, यानी जिसमें हमने स्टोर करवा दिया है 1। और याद रखिए, क्योंकि हमें 1 से लेकर 999 तक प्रिंट एफ हेलो एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसीलिए हमने n को सबसे पहले इक्वल्स टू 1 कर दिया। इसके बाद व्हाइल में हमने लिमिट यानी कंडीशन लगा दी कि n इज लेस देन 1000, यानी n हमेशा 1000 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंट एफ हेलो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 999 तक चला जाए। लेकिन दोस्तों 999 तक ले जाने के लिए भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। पहले हमें प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट दे दी। और इसके बाद जो ये आपको अगली स्टेटमेंट नजर आ रही है, n इज इक्वल टू n प्लस 1, दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के जरिए हम n में हर बार एक का इजाफा करेंगे और वो एक का इजाफा होते होते वो 999 तक पहुंच जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले n में हमने 1 को डाल दिया है, इसके बाद कंडीशन को अब चेक करेंगे कि क्या 1 छोटा है 1000 से। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका जवाब ट्रू आएगा या फॉल्स। तो दोस्तों जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ इसका जवाब आएगा ट्रू। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो उस कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पर इसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले ये हेलो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन n में अभी 1 है, यानी अभी आपने देखा था कि n में हमने 1 को डाला था, तो इस वक्त n में 1 है। और जब हम 1 को 1 से प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और अभी हमने 2 भी स्टोर करवा दिया है इस n में। तो डियर फ्रेंड्स, अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई है, कंडीशन के ट्रू होने से पहले n में 1 था, लेकिन कंडीशन के ट्रू होने के बाद अब n हो गया है 2, यानी n में इस वक्त 2 आ गया है। इसके बाद कंट्रोल दोबारा से इस कंडीशन पर जाएगा। याद रखिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये कंट्रोल दोबारा से इस कंडीशन पर जाकर दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा। तो पहले कंडीशन में हमने 1 से इसको चेक करवाया था, अब क्योंकि n हमारे पास 2 है तो हम इसको 2 से चेक कराएंगे। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 छोटा है 1000 से, तो इसका आंसर आएगा ट्रू।
जब आंसर आएगा ट्रू तो ये अब इस कंडीशन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले ये इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट हेलो। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अब यहाँ पर एन में मौजूद था टू, अब ये टू में प्लस करेगा वन तो आंसर आ जाएगा थ्री। तो दोस्तों इस तरीके से अब एन में आ गया है थ्री, और इस तरह जब तक एन 999 नहीं हो जाता ये तमाम प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। अब दोस्तों मान ले एन जो है वो 999 हो गया है तो अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 999 छोटा है 1000 से, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रू। इससे पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया था और ट्रू आ जाने के बाद अब ये इसके अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, और हेलो प्रिंट होने के बाद अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर एन इस वक्त है 999, तो जब हम 999 में 1 ऐड करेंगे तो अब ये हो जाएगा 1000। अब दोस्तों क्योंकि अभी ये कंडीशन ट्रू थी तो अब ये कंट्रोल जो है ये दोबारा कंडीशन पर जाएगा, अब एन हो गया है 1000। अब ये चेक करेगा कि क्या 1000 छोटा है 1000 से, तो दोस्तों आप खुद बताएं कि क्या जो 1000 है वो छोटा है 1000 से, नहीं बल्कि 1000 जो है वो बराबर है 1000 से, तो अब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। अब क्योंकि कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है तो अब ये इस कंडीशन में पड़ी किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि लूप से बाहर आ जाएगा, और इस तरह रिपीटेशन या फिर आइट्रेशन स्ट्रक्चर काम करता है। और दोस्तों अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हम रिपीटेशन स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें 1000 टाइम्स लिखनी थी वो अब सिर्फ और सिर्फ इन तीन स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो इससे ना सिर्फ आपका वक्त बच रहा है बल्कि आप जो है वो आपके प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड्स भी बच गए हैं, यानी जो आप 1000 लाइन का कोड है वो अब सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाइनों के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आइए अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर एक इसका क्वेश्चन है, डेवलप एन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप हर एक नंबर को इनपुट लें और फिर डिस्प्ले करवा दे इस तरह से, पहले नंबर ए लें फिर उसको डिस्प्ले करवाएं, फिर बी एक वेरिएबल लें उसके अंदर नंबर को स्टोर करवाएं, उसके बाद उस बी को डिस्प्ले करवाएं, और इसी तरीके से 10 तक के नंबर्स जो हैं वो इनपुट लें और इनपुट लेने के बाद डिस्प्ले करवा दें। जबकि दूसरा आसान और मुख्तसर तरीका है लूप का यानी आइट्रेशन का, कि आपने एक नंबर ले लिया उसमें 1 को स्टोर करवा दिया, उसके बाद कंडीशन लगा दी कि वो नंबर कभी भी n से छोटा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हमने हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स चाहिए तो हमने नंबर्स में हम 1 को स्टोर करवा देते हैं और कंडीशन में लिख देंगे कि नंबर इज लेस देन 11, यानी जो भी नंबर रिपीट होकर आता रहेगा यानी इंक्रीमेंट होकर आता रहेगा वो हमेशा 11 से छोटा होना चाहिए। इसके बाद तभी हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स मिलेंगे। इसके बाद जो स्टेटमेंट हमें रिपीट करवानी है उसे हम लिख देंगे और हर बार उस नंबर में यानी n में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो डिफरेंस यकीनन ये आपको अभी वर्बली नहीं समझ आ रहा होगा, तो आइए देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम किस तरह से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप 2 में हमने n को 1 के इक्वल्स टू ले लिया, उसके बाद हम व्हाइल यानी कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं जो कि रिपीटेशन कंडीशन है, ये चेक करिए कि क्या जो हमारा n है वो छोटा है 11 से, और ये हर बार इस कंडीशन को चेक करती रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो n को ये डिस्प्ले करवा देगी, n में 1 का इंक्रीमेंट करा देगी और फिर उसके बाद चेक करती रहेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हमने स्टेप 2 में n को 1 के इक्वल टू कर दिया है, यानी n में अब 1 आ गया है। फिर स्टेप 3 में हमने कंडीशन लगाई है जो कि चेक करेगी कि क्या 1 छोटा है 11 से, आंसर आएगा ट्रू, तो ये प्रिंट करवा देगा n को यानी 1 को, फिर n में हमने 1 का इंक्रीमेंट करा दिया तो अब n में आ गया है 2। दोस्तों अभी जो हमने पीछे आपको एग्जांपल बताई थी ये बिल्कुल उसी से रिलेट करता है, तो यकीनन आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू आई थी ये आप देख सकते हैं, तो ये दोबारा कंट्रोल जो है वो इस कंडीशन पर जाएगा। अब क्योंकि n 2 हो गया है तो ये चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो 11 से छोटा है, आंसर आएगा ट्रू। ट्रू आने के बाद ये इस व्हाइल का जो ब्लॉक है इसके अंदर जाएगा और डिस्प्ले करवा देगा n को, क्योंकि n इस वक्त 2 है ये डिस्प्ले कराएगा 2 को, 2 को डिस्प्ले करवाने के बाद n के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, यानी 2 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 1 प्लस करेगा, तो ये हो जाएगा n 3।
और इसी तरीके से ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक के नंबर जो है वो 11 से छोटा नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास नंबर जो है वो 10 हो गया है, रिपीट होते होते 10 हो गया है। अब ये चेक करेगा कि क्या 10 11 से छोटा है, आंसर आएगा ट्रू, ट्रू आंसर आएगा तो ये इस कंडीशन के ब्लॉक में जाएगा और डिस्प्ले करवा देगा एन को, और एन है इस वक्त 10, तो इसने 10 को डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद ये 10 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 1 को प्लस करेगा और आंसर आ जाएगा 11। दोस्तों याद रखिए अब तक हमारे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो चुके हैं। अब ये चेक करेगा ये कंडीशन, ये जो n है ये दोबारा अपनी इस कंडीशन पर जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, ये दोबारा इस पर जाएगा और चेक करेगा कि क्या 11 छोटा है 11 से। दोस्तों याद रखिए 11 इक्वल्स टू है, यानी 11 जो है वो बराबर है 11 के, ना कि छोटा है। यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इन तमाम स्टेटमेंट्स को जो कि इस कंडीशन के अंदर मौजूद है एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये फोर्थ स्टेप पर जंप कर लेगा और यहाँ ये एंड लिखा हुआ है तो ये प्रोग्राम को एंड कर देगा। दोस्तों इस तरह से ये आपका एक एल्गोरिथम बन गया है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने का। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। स्टार्ट के लिए आपने ये ओवल शेप लिया, फिर उसके बाद आपने इनपुट देने के लिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, उसके बाद आपने एक कंडीशन लगाई कि क्या एन जो है वो छोटा है 11 से। अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी, यानी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट्स जो है ये एंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो ये जो है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी आप ये देखें ये एक लूप की शक्ल अख्तियार कर रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इन तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट तो करेगा, साथ के साथ ये दोबारा कंडीशन पर जाएगा। जो मैं ये कह रही थी ना कि ये दोबारा इस तरह ये कंडीशन पर जाएगा, तो आप फ्लो चार्ट में साफ साफ देख भी सकते हैं, यानी ये जो फ्लो चार्ट होते हैं ये आपके प्रोग्राम का फ्लो बहुत ही ज्यादा वाजे तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि बार बार जो है ये फ्लो लाइन आपको दिखा रही है कि ये जो कंडीशन है ये अपने आप को बार बार चेक करेगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो डिफरेंस ये था आइट्रेशन और रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम टाइप ऑफ लूप्स, यानी ये जो आपकी आइट्रेशन स्ट्रक्चर होता है इसकी भी कई टाइप्स हैं। अभी हमने व्हाइल को देखा था, इसके साथ साथ इसकी फॉर लूप और डू व्हाइल लूप भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।